One shot, one chance, one move, one dance. One shot, shot, shot. Brace yourself for it. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइज, ये वाला गेम प्ले में सबसे पहले तो जो एंड सर्कल बना है वो देखो भाई, मतलब 1/3 पार्ट पे सर्वाइविंग एरिया और बाकी जगह पानी पानी, और बंदे बचे भाई 27 पूरे, और 27 बंदों को इस छोटे भूभाग पे सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। और कैसे जिएंगे इतने सारे बंदे, कम से कम एक एक प्लेनेट मिल जाता तो सही रहता। तो गाइज, आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा इंटेंस रहा ये वाला मैच, और जो कि जाके ख़त्म होता है हिल बैटल पे। और आपको यह जान के ज़्यादा खुशी होगी कि भाई इस वाला मैच में मैं चिकन डिनर करता हूं, और वो भी 9 किल के साथ। फिलहाल तो अभी हमारे 1 किल है, लेकिन आप वीडियो ज़रा भी स्किप मत करना, एक भी मोमेंट मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पता पड़े कि एक एक मोमेंट कितना ज़्यादा इंटेंस रहा इस वाले मैच का, और पता नहीं कौन सा मोमेंट या कौन सा मूव मेरा आपके लिए कामगार हो या फिर आपके काम आ जाए अगले वाले मैच में, जो कि इसी तरीका का कोई इंटेंस मैच रहा हो। और आप भी इसी तरीके से चिकन डिनर ले लो और आपको मजा आ जाए। तो गाइस, सीन स्टार्ट होता है ये जो नोवो ब्रिज की तरफ बाईपास कंपाउंड है, छोटे छोटे वहाँ होल्ड कर रहा हूँ मैं। और आमतौर पे जो मैच स्टार्ट करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, वो बहुत ही एंड सर्कल में ही करता हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला मैच इंटेंस जाएगा तो वही रिकॉर्ड करता हूँ मैं। फालतू जो बोट मार रहा हूँ या फिर कहीं होल्ड कर रहा हूँ या फिर कहीं कैंपिंग कर रहा हूँ वो दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता, तो मेरा वीडियो स्किप करने का कोई मतलब है नहीं। जो भी देखने लायक हो वही बताता हूँ मैं। अब देखो गाइस, जैसा मुझे आइडिया था कि सारे बंदे इधर से ही रोटेशन मारेंगे और उनको किसी ना किसी को तो पकड़ूंगा और जितना ज़्यादा हो सके किल उठाऊंगा यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ होल्ड कर रहा था और लगातार देख रहा था कि और कौन बंदा अच्छी तरीके से पकड़ा जा सकता है, उसको पकड़ लेता हूँ। था और तटीय इलाकों में भाई दुश्मनों ने अपने डेरे जमा लिए थे, तो उनको फायर करते अपने M4 के टैप टैप से। लेकिन वो बंदे थे भाई प्रॉन, और किसी पे भी अच्छे से फायर कनेक्ट हो नहीं रहा था, और हमारे पास बचा हुआ जो एमओ था भाई M4 का वो बहुत ही कम था, तो फायर करने से बेहतर है अपने आप को बचाएंगे इस एमओ से। और इतने में मुझे याद आता है कि भाई अभी यहाँ पर जो गाड़ी सजा रहा था उस बंदे को मैंने मारा था, उसको लूट लेते। अब उसको जैसे लूटने जाता हूँ तो मुझे एक खतरनाक मजा आ जाता है, ऐसी चीज मिल जाती है उसके पास, और वो होती है फ्लेयर गन। अब यहाँ पे बचा था भाई 1 मिनट अगले जोन को, और हमारे पास है फ्लेयर गन, यानी कि हम है थोड़ा बहुत एडवांटेज में इस छोटे से जोन में सर्वाइव करने के लिए। BRDM बहुत ज़्यादा मददगार हो सकता था, लेकिन आगे जो होगा तो खुद देख लेना भाई लोग। तो गाइस, यहाँ पे जोन के स्टार्ट होने का टाइम हो गया था और हमारा BRDM अभी भी हवा में गेड़िया मार रहा है, तो हम उसका वेट नहीं करते हैं क्योंकि भाई बहुत ही फाइनल वाला स्टेज वाला ये जोन है, और हम निकल लेते हैं हमारे बगी के सारे, जो होगा भाई देखा जाएगा। और गैस, अगर आप लोग को पता है कि भाई BRDM को बहुत जल्दी बुलाने का कोई ट्रिक व्रिक हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो गैस, हम निकल चुके हैं अगले जोन के लिए, और आगे जाके बहुत ज़्यादा भसड़ मचने वाली गैस, एक भी मोमेंट मिस मत करना। तो गैस, इतने ज़्यादा इंटेंस के रहते ये बंदा बिल्कुल समझ नहीं पाया कि भाई मैं साइड हूँ या फायर करूँ। तो गैस, अभी के लिए ये जो छोटी डिप है यहाँ पर मैं बग्गी रोक देता हूँ अपना, क्योंकि यहाँ पर जोन भी है और अच्छे से कवर भी है बाकी बंदों से। और मुझे ये देखना था कि पीछे से कोई बंदा अगर दौड़ के आ रहा है ओपन में जोन का डैमेज लेते हुए, तो उसका मैं किल ले सकूँ, क्योंकि मुझे किल चाहिए, प्लस पॉइंट ज़्यादा चाहिए। और फिर मुझे एक और अलग ही सरप्राइज मिलता है, जो लेफ्ट से बंदा आ जाता है। अब इस बंदे को मार देता हूँ मैं अपने होलोग्राम से। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये होलोग्राम क्यों दिया है जब हमारे पास रेड डॉट है। अगर इसका कोई एडवांटेज है ना, मुझे कमेंट करके बताओ गाइस कि ये होलोग्राम से ये फ़ायदा है। और मैं देखता हूँ कि भाई ये जो पेट्रोल पम्प है यहाँ पर अच्छे से चहलकदमी हो रही है, तो यहाँ पर एक बार ग्रेनेड करके देखता हूँ।
तो गाइस अब मेरे सामने इस पेट्रोल पंप का मैनेजर छुपा हुआ है अंदर और वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर वो यहाँ से जाएगा तो उसका मालिक उसे बहुत मारेगा और उसको नौकरी से निकाल देगा। अब यहाँ पर जहरीले भाई को हमारा जहरीला ग्रेनेड पैरों में जाके डस लेता है और वो मर जाते हैं। अब इस भाई को लूट लेते हैं क्योंकि हमारे सामने जो भी एरिया है वो बहुत ही ओपन है और हमको स्मोक की बहुत ही ज़्यादा और सख्त आवश्यकता है। अब यहाँ पे मैं जैसा देख पा रहा था, अभी सामने एक गाड़ी है और गाड़ी के पास में एक बंदा है और बंदे के पास में डीपी है और वो डीपी बहुत ज़्यादा चला रहा है क्योंकि अभी अभी उसने 3-4 बंदे मार दिए हैं और हमको भी ना मार दे, इसके लिए उसको मैं क्लियर करता हूँ। चलो लेकिन इतने में जोन स्टार्ट हो जाता है और हम भी निकल लेते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा ऐसा सोच के। और मेरी खुशकिस्मती ये रहती कि वो बंदा ऐसे स्ट्रेट करने का पता नहीं है और हम यहाँ आके फर्स्ट हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए एडवांटेज वाली बात हो जाती है। देखो गाइस कैसे ऐसे एक बार को मैं सोचता हूँ कि ग्रेनेड करते हैं, लेकिन वो भैया जी कंटिन्यूस एडीएस दे रहे थे मेरे पे, तो उसको मैं AKM के फायर से एकदम सरप्राइज देता हूँ। फिलहाल मैं जोन में था नहीं तो जोन की तरफ बढ़ता हूँ और इतने में पीछे से ये भैया जी आ रहे थे भाई गाड़ी में, लेकिन मेरा पहला प्रायोरिटी ये था कि जोन में एंटर कर लेते जैसे तैसे। अब इस गाड़ी वाले पे फायर कर रहा था और इतने पे चलते हुए राहगीर ये स्पॉट हो जाते हैं जिसको मैं एकदम हेडशॉट दे देता हूँ और वो मारे जाते हैं। अब वो जो बंदा गया था भाई गाड़ी वाला, वो यहाँ पर किसी और बंदे को MK के फायर से मार देता है। अब मुझे तो ये श्योर था कि वो बंदा बिल्कुल कम HP पे होगा, उस पर मैं ग्रेनेड करता हूँ क्योंकि वो एक तो जोन का डैमेज लेके आया था और मैंने भी फायर कर रहा था उस पर। अब बचे हुए बंदे तो भाई 4, अब 3 बंदे कहाँ है मुझे कोई आइडिया था नहीं, तो मैं ऐसे ही स्पोक कर देता हूँ। बचा हुआ एक बंदा तो सामने होगा या मुझे कन्फर्म था, और थोड़ा बहुत आइडिया मुझे इस बात का भी था कि भाई इतने बंदे देख के कुछ ने तो भाई जल समाधि ले ली होगी और नीचे रेंग रहे होंगे या फिर तैर रहे होंगे, स्विमिंग कर रहे होंगे या आपस में बात कर रहे होंगे भाई ऑल वे। और होता भी कुछ ऐसा, ये यहाँ पर जो एक सामने बंदा है उसको मैं अभी कैसे किल करने वाला हूँ देखो गाइस। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड तो करता हूँ लेकिन वो सामने बाउंस रिबाउंड होके वापस इधर ही गिर जाता है और वो बंदा भी ग्रेनेड करने की सोच रहा था और उसको मैं ले लेता हूँ स्प्रे से। यहाँ से अब जो बंदे बचे थे 2, वो बिल्कुल नीचे थे, पानी में तैर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अब मेरा सारा फोकस था भाई हिल बैटल पे क्योंकि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता था। अब मैं बिल्कुल श्योर था कि भाई वो बंदे तो हिल नहीं कर सकते, मुझे बस एक हेल्थ किट लगानी थी, बाकी वो बंदे तो हिल कर ही नहीं पाने वाले थे। तो देखो गाइस आगे क्या होता है। और इसी के साथ हमारा चिकन डिनर हो जाता है गाइस। और अगर तुम लोग को ये चीज़ पसंद आया ना भाई, जहाँ जिंदा रहना मुश्किल था वहाँ मैंने चिकन डिनर कर डाला भाई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो ये वाला वीडियो को भाई लाइक कर देना। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर देवे कृपया करके। और मैं मिलता हूँ भाई अगले वीडियो में, यानी कि कल या फिर जब भी पॉसिबल हो सके, और जो भी हो बाय। You and then you'd love it, you text me, I love you, and then I'd fucking ghost you.